अच्छा गला है, कितना गाना रिवाज करता है गला? तो बचपन से हम गाते ही आ रहे हैं, तो स्कूल में कॉलेज में हमारे पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल था, तो म्यूजिक से हमारा शुरू से लगा है। ऐसा कोई टाइमिंग है दिन में चार घंटा? नहीं ऐसा नहीं होता है कि जब मैं वैसे ही स्टूडियो में रहता हूँ तो मैं पूरा दिन गाता ही रहता हूँ, है ना। तो बाकी हाँ रियाज होता है, सुबह का रियाज सबसे बेटर होता है ना। तो रियाज सबको, अगर किसी को गाने का शौक है तो उसको सुबह रियाज करना चाहिए। और रियाज का टाइम नहीं, एक्चुअली सुबह तो हम बेस्ट मानते हैं, जब हम उठते हैं उठते सारे अगर हम रियाज करें तो सही है, अदरवाइज दिन में भी अगर रियाज करें तो ठीक है। नया सिंगर के लिए कुछ बताइएगा, नया जो सिंगर जो कैसे हो जी जो तक जाए? कुछ नहीं, देखो किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको करना है तो उसकी शिक्षा बहुत ज़रूरत है, उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके उसे पढ़ें, उसकी नॉलेज लें, उसके बारे में सीखें कि क्या चाहिए। और एक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज़ के लिए, तो उसके लिए कोई गुरु रखें और आप उस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे। प्रिंस आज ऐसा एक होटल में आए हो, कैसा लग रहा है? हाँ बहुत ही प्यारा लग रहा है, आज मैं अपटाउन में आया हूँ और ये रूफ टॉप है ना, रूफ टॉप में मैंने कलकत्ता में पहली बार आया हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आया हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनी हुई है, सो आई होप रात को उतना ही मज़ा आए जितना मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कलकत्ता में कभी भी आओगे तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देख पाएंगे इस होटल में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कभी भी आऊँगा यार, ऐसा मैं जहाँ भी जाता हूँ एक बार मेरे रिलेशन बन जाते हैं वहाँ पर, तो कभी भी इंशाल्लाह जब भी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। सर आपको जब भी गाने गाते हो उसका लिरिक आपको पंजाबी ही आते हैं जी, हिंदी में? ओके मैंने हिंदी भी गाया हुआ है, इसके बाद पहले दो तीन पंजाबी के बाद मैं फिर हिंदी में आ जाऊंगा, हिंदी भी करूंगा। ठीक है, तो आज तो क्रिसमस का अवसर है तो आप कोलकाता में आए हो, तो सांता जब भी आता है तो कुछ लाता है, तो आज कोलकाता के लिए क्या खास लाए हो आप? मैं क्या लाया हूँ, मैं बहुत सारी खुशियाँ लाया हूँ, ढेर सारी रात को खुशियाँ देके जाऊँगा। और आपको कोई शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म में? मैंने अभी एक सीरीज करी थी, अभी वो आने वाली है, एंड जब भी आएगी तो मैं पक्का यहाँ पर इस शहर में जरूर आऊँगा, क्योंकि ये शहर बहुत अच्छे से कवर करता है आपको हमेशा, इनका मीडिया बहुत प्यार देता है। और थैंक यू सो मच गाइस इतनी मेरे लिए इतनी दूर से आने के लिए, एंड आई ओ यू गाइस, थैंक यू सो मच। फैमिली का कितना टाइम देता है? फैमिली को सर मैं फैमिली पर्सन हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ। वाह वेरी नाइस।